राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय अयोध्या पहुंचे हैं, जहां पर रामलला को अस्थायी स्थान पर विराजमान करने वाली जगह का वो जायजा ले रहे हैं। मंदिर निर्माण से पहले रामलला को दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। वहीं ट्रस्ट के सदस्य राजा बिमलेंद्र मोहन मिश्र, डीएम अनुज झा भी यहां मौजूद हैं। तो ट्रस्ट की अगली बैठक से पहले जगह का चयन यहां पर किया जाना है। तो अयोध्या पहुंचे हैं ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय। रामलला को अस्थायी स्थान पर विराजमान करने वाली जगह का जायजा यहां पर लिया जाएगा। बता दें कि मंदिर निर्माण हो उससे पहले रामलला को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाना है, और इसी को लेकर फिलहाल जगह का जायजा लिया जा रहा है। जगह को चिन्हित कहीं ना कहीं किया जा रहा है, जहां इस दौरान उनके साथ ट्रस्ट के सदस्य राजा बिमलेंद्र मोहन मिश्र, डीएम अनुज झा भी मौजूद हैं। तो अगली जो ट्रस्ट की बैठक होने वाली है उससे पहले पहले इस जगह का चयन यहां पर करना है, और इसी को लेकर अयोध्या पहुंचे हैं ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय। और सत्यप्रकाश हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, अयोध्या पहुंचे हैं चंपत राय, और तमाम उन चीजों को कहीं ना कहीं कंफर्म करने की कोशिश की जा रही है जो कि बाद में शायद दिक्कत ना हो। मंदिर निर्माण होना है उससे पहले राम मंदिर को दूसरी कौन सी जगह में शिफ्ट किया जाएगा, क्या जानकारी उसको लेकर? जी हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है जो दिल्ली में आयोजित बैठक हुई है उसमें जो है एक मैटर से भी रखा गया कि पहले मंदिर निर्माण से पहले भगवान रामलला को एक दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जाना है, तो उसको स्थलीय निरीक्षण के लिए आप जो चंपत राय के साथ कई अन्य सदस्य भी इस समय परिसर में मौजूद है, वो स्थलीय निरीक्षण करेंगे। जब माना जा रहा है महाराजभवन के पास एक स्थल है जहां पर विराजमान कराया जा सकता है, मंदिर निर्माण से पहले एक उनको एक स्ट्रेचर में रखा जाएगा, बुलेट प्रूफ कार्ट होगा वो माना जा रहा है। लेकिन जो आज मौके पर इस समय चंपत राय जी परिसर में निरीक्षण कर रहे हैं, इसके बाद ये अयोध्या में होने वाली जो अगली बैठक है लगभग 3 से 4 तारीख में माना जा रहा है, उस बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा, उसके बाद ही उस तिथि के साथ ही भगवान रामलला को स्थापित किए दूसरे स्थान पर स्थापित करने की भी बात सामने आ जाएगी। चलिए, धन्यवाद आपका सत्य प्रकाश फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।